हमारा जो है मामला ज़मीन का है, 3/2A का। 3/2A में हमने अपनी ज़मीन को कब्जा कर रखा था और अभिनंदन लोधा बाउंसर लोग गए उसे कब्जा कर रहे थे, बच्चों ने उसे रोका तो उनसे मारपीट की, मारपीट करके उनको जेल भेज दिया गया और हम दर दर भटक रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई हो नहीं रही है भैया। और यह है कि हम कम से कम 6-7 आदमी हैं, 6-7 लोग हैं माझी समाज के, मझवार समाज के, वो जो है उनकी सारी ज़मीनें कुछ कब्जा कर लिए हैं, वो हैं हमारे सब ज़मीन कब्जा कर लिए, जो बेची है वो दूसरा नंबर है, उन्होंने कब्जा किया है, लेकिन हम जो नहीं बेचा है इसको नहीं बेचा है हमने, और ये ज़मीन हमारी कब्जा कर रहे हैं ज़बरदस्त। संरक्षण में अभिनंदन लोढ़ा ग्रुप किसानों को मार रहा, पीट रहा, अभी 5-5 किसानों को मारा, सर फोड़ दिया, और सोचिए ये भाजपा को वोट देते हैं। शर्म करो, जो निषाद समाज के लोग हैं भाजपा में कहाँ हो, संजय निषाद कहाँ सो रहे हो नीति गोली खाके, तुम्हारी सरकार में निषाद समाज के लोगों का सर फोड़ा गया और आज वो जेल में बंद है, मारे भी गए, जेल भी भेजे गए, और सत्ता और उद्योगपतियों का जो गठजोड़ है तुम्हारे निषाद समाज को मार रहा है, पीट रहा है, जेल भेज रहा है, अगर जरा भी नैतिकता बची हो तो आकर लड़ाई लड़ो, वरना इस्तीफा देकर गोरखपुर चले जाओ। उपरोक्त प्रकरण दिनांक 12/9/2024 का है, जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा अवगत करवाया गया है कि उनके द्वारा श्री राम आशीष यादव से तिहुरा माझा में ज़मीन खरीदी गई थी। श्री राम आशीष यादव क्रेता पक्ष को जब मौके पर ज़मीन के लिए कब्जेदारी के हेतु लेकर गए और उनके द्वारा ज़मीन की घेराबंदी की जा रही थी, उसी समय द्वितीय पक्ष भी वहाँ पर मौजूद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद और मारपीट हुई। इसमें प्रथम पक्ष के एक व्यक्ति को सर में गंभीर चोट आई है, जिसे यहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसी संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13/9/2024 को श्री रामरूप के द्वारा दिया गया है, जिसे विवेचक को विवेचना में सम्मिलित करते हुए जो भी आगे विधि सम्मत कार्रवाई है उसको पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।